बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेंज अप्रोच कूलिंग टावर का वर्किंग और ये कैसे पानी को ठंडा करता है और ये कहां कहां पे काम में आता है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये सिंपल सा आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये हम इसको एक पॉइंटर ले लेते हैं, और सॉरी ये वाला पॉइंटर थोड़ा अच्छा नहीं है, हम ये दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आपको एक ये कूलिंग टावर दिख रहा है। कूलिंग टावर जो है वो कनेक्टेड है एक चिलर से, चिलर के कंडेंसर से। तो चिलर के कंडेंसर से जो हॉट वाटर आता है वो कूलिंग टावर के अंदर जाता है और वो ठंडा होकर के वापस चिलर के कंडेंसर में चला जाता है। यहाँ पे आपका चिलर हो सकता है और कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस वाला मशीन हो जाता है जहां से पानी, गर्म पानी जो है उसको हमें ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये कैसे ठंडा करता है कूलिंग टावर, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये एक यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिखाया गया है जो एक ज्यादा सिंपल वे में आपको दिखेगा कि इसमें क्या हो रहा है। कि देखो हॉट वाटर जो है वो स्प्रिंकलर के थ्रू, ये स्प्रिंकलर्स हैं, स्प्रे नोजल्स हैं, ये नोजल के थ्रू जो है वो कूलिंग टावर में के अंदर से ये फिल्स के ऊपर स्प्रे होता है, और जो फिल्स हैं वो फिल्स के अलोंग विद द फिल्स ये नीचे की तरफ फ्लो करता है पानी, और जो ड्राई एयर अंदर इसमें एंटर हुई है उसके कांटेक्ट में आता है। तो फिल्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो फिल्स के ऊपर पानी स्प्रेड हो जाता है और ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आता है। तो जो ड्राई एयर इसके इसके अंदर एंटर हुआ कूलिंग टावर के, और जो पानी वहां से हॉट वाटर ऊपर से आया, वो ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आना चाहिए एक दूसरे के, और जब वो कांटेक्ट में आता है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने की वजह से क्या होगा, वो जो पानी बचा हुआ है कूलिंग टावर के अंदर वो जो है वो ठंडा हो जाता है। को आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ इवेपोरेट होता है यहां से पानी, तो वो हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो लेके चला जाता है। तो हीट ऑफ इवेपोरेशन ले जाने की वजह से जो हमारा बचा हुआ यहाँ पे वाटर है वो कोल्ड हो जाता है, और वो बेसन जो हमारा ये बेसिन है इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये पानी हम वापस से कूलिंग टावर में यूज, चिलर में यूज कर लेते हैं। तो ऐसा ही साइकिल होता है। यहाँ पे देखो एक ये जो आपको पिक्चर दिखाया गया है, एक एनिमेटेड पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है कि यहां से ड्राई एयर अंदर और एंटर कर रहा है, यहां से हॉट वाटर जो है इसके अंदर एंटर करता है, फिल्स जो है उसके थ्रू जाकर के वो कोल्ड वाटर यहां से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज इसमें समझने की बात है कि जब हमारा ये ड्राई एयर जो है इसके अंदर एंटर होता है, तो ड्राई एयर एंटर होने के बाद में जो पानी इवेपोरेट होता है वो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा इतना ज्यादा आपका जो बचा हुआ इसके अंदर वाटर है वो ज्यादा ठंडा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन कैसे क्या कब ज्यादा होगा इवेपोरेशन, जब आपका वेटबल टेम्परेचर, एयर का जो वेटबल टेम्परेचर है वो कम होगा, और वेटबल टेम्परेचर कब कम होता है, जब आपका ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। जितनी ज्यादा कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही आपका चिलर एफिशिएंट होगा, मतलब आपका वेटबल टेम्परेचर और ड्राईबल टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है कि पानी अगर एयर के अंदर जितना कम वेपर होगा वो इतना ही ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब यहां से ड्राई एयर अंदर जाती है तो इसके अंदर जो वेपर है, इसके अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब मतलब वो अपने साथ लेके चली जाएगी, और हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पानी ठंडा होगा। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल वे में बता दिया। तो अब हमें समझना है इसमें अप्रोच क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो रेंज और अप्रोच समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाने वाला हूं, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग ये वाला डायग्राम, तो इसमें दिखाया गया है कि आपका जो वेटबल टेम्परेचर इन
यहाँ पे जो हमने 27 डिग्री लिया है, और कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट जो हमारा 30 डिग्री है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ओके, सो इसका जो डिफरेंस होगा किसका, कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट जो हमको ठंडा पानी कूलिंग टावर से मिल रहा है, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो एयर अंदर जा रही है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको हम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अप्रोच हो गया ये। सो इसमें एक चीज और बात समझने की थी कि अप्रोच एक्चुअली बेसिकली अप्रोच क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। जब हम किसी टारगेट को अचीव करने की करना होता है हम लोग को, सपोज करो हमको एक 10 किलोमीटर जाना था, 10 किलोमीटर में से हम लोग कितना चले गए, 8 किलोमीटर चले गए, तो हमारा अप्रोच जो है ना, अभी जो हमारा जो टारगेट है वो कितना दूर बचा है हमसे, वो अप्रोच होती है। तो ऐसे वो हमारा दो किलोमीटर हमारा उसमें अप्रोच हो गई, तो हमारा यहाँ पे टारगेट है कि जितना हम लोग टेम्परेचर एयर का एंटर कर रहा है उतने का उतना ही पानी ठंडा कर दे वो एयर, पर इतना तो पॉसिबल नहीं है कि 100% हीट ट्रांसफर तो नहीं होता है। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जितना टेम्परेचर वेट बल्ब है उतना ही हमारा जो आउटलेट है उतना ही वही टेम्परेचर पे निकले, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग उतने तक नहीं पहुंच पा रहे, हम लोग 30 तक पहुंच पा रहे, तो 30 तक पहुंच पा रहे, पहुंचना हमको 27 तक था लेकिन 30 तक पहुंच गए, 30 डिग्री तक, फिर भी ठीक है। तो 30 माइनस 27 करेंगे तो वो आपका अप्रोच आ जाएगा, समझ रहे हो ना इतनी बात। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि रेंज क्या होता है, रेंज मतलब कूलिंग टावर का कैपेसिटी कितना है, वो कितना पानी को ठंडा कर सकता है कितना। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 35 डिग्री का पानी, हॉट वाटर जो है इस कूलिंग टावर के अंदर गया, यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख लीजिए कि हॉट वाटर टेम्परेचर इन और कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट, ठीक है। तो हॉट वाटर टेम्परेचर इन कितना है, 35 डिग्री, एंड कोल्ड वाटर टेम्परेचर आउट इज 30, तो मतलब 35 से 30 डिग्री तक ठंडा कर देता है, वो उसकी रेंज है। अगर आपको 50 डिग्री से उसको 30 डिग्री लाना हो तो 15 डिग्री का रेंज हो जाएगा। जब 15 डिग्री का रेंज है तो आपको बहुत बड़ा कूलिंग टावर बनाना पड़ेगा, तो उसका कैपेसिटी डिपेंड करता है उसकी रेंज के ऊपर। तो रेंज समझ आ गया, अब रेंज पता चल गई, अप्रोच पता चल गई, तो हम उसका इफेक्टिवनेस देखते हैं कूलिंग टावर का। तो इफेक्टिवनेस कैसे पता करेंगे, उसका एफिशिएंसी जो होगा वो रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में सपोज करो ये अप्रोच जो है वो जितना कम होगा उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। रेंज ज्यादा, अप्रोच को अगर सपोज करो हम अप्रोच जीरो कर देते हैं तो रेंज अपॉन रेंज वन मतलब 100% एफिशिएंट। अगर रेंज बड़ा रहेगा तो उसका जो फैक्टर है वो भी, अब देखिए यहाँ पे ये 5 है रेंज, तो 5 प्लस 3 तो ये कितना आ जाएगा, 63%। सपोज करो अगर ये हमारा ये 0 होता 3, तो 5/5 हो जाता, 5 से 5 कैंसिल हो जाता और ये 100% इसका एफिशिएंसी हो जाता है। तो रेंज जितना कम होगा उतना आपका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं लिख करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा 5th वीडियो था, आपको इस तरह के और बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।